नमस्कार साथियों, देश दुनिया और स्थानीय खबरों के साथ मैं हाजिर हूं आपका साथी जयकरण चारण। जिला कलेक्टर गौतम ने अभिभावकों से की अपील। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने खसरा रूबेला के संक्रमण से बचाने के लिए अभिभावकों से अपने बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है। गौतम ने कहा है कि खसरा रूबेला एक जानलेवा व तीव्र गति से फैलने वाला अति संक्रामक रोग है और ये प्रभावित रोगी को खांसने व छींकने से फैलता है। इसके प्रभाव से बच्चों में निमोनिया, दस्त, मस्तिष्क में संक्रमण जैसी घातक बीमारियों का खतरा बना रहता है, जो कि नवजात शिशुओं व बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। कोर्ट का फैसला, हत्यारों को आजीवन कारावास। 9 साल पुराने मामले में हत्या के आरोपियों को आज कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आजीवन कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। इस मामले में 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 323, 332 के तहत नापासर पुलिस थाने में मामला दर्ज था। ये घटना 26 जून 2011 की है, जहां 27 जून 2011 को सरेरा निवासी उदाराम पुत्र गोविंद ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था और मामले की सुनवाई अनुसूचित जनजाति न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बलदेव राज बेनीवाल ने की तथा सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचरण भोजक ने की थी। बारातियों पर हमला, दूल्हे को उतारा रथ से नीचे। सागर गांव में पहुंची बारात पर पथराव कर दूल्हे को रथ से नीचे उतारने का मामला सामने आया। इस संबंध में आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर बारातियों पर पथराव करने वालों पर FIR दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। पेमास्टर निवासी राकेश पुत्र राधाकिशन मेघवाल ने बताया कि 10 जुलाई को उसकी साली भगू और भगवती की शादी थी और बारात पुगल से सागर गांव आई थी। बाराती DJ लेकर जा रहे थे, उसी समय सागर निवासी शिवलाल चाहर पुत्र सुरजाराम और 4-5 अन्य लोगों ने बारातियों पर पत्थरबाजी की और बारातियों से बदतमीजी करने लगे तथा गंदी गंदी जाति सूचक गालियां निकालने लगे। बाद में दूल्हे को रथ से जबरदस्ती नीचे उतार दिया और DJ बंद करवा दिया। इस पर बारातियों द्वारा समझाइश की, लेकिन वे लोग नहीं माने और घरों तक छतों पर चढ़कर बारातियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कई बारातियों को चोटें भी आई और कुछ बारातियों ने दूल्हे को बचाकर सुरक्षित जगह पर लेकर गए। कल 10 जुलाई को सागर गांव में बारात आई थी पुगल से, और बारात जैसे ही एंटर की गांव में, गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया, पत्थरबाजी की, जिसमें गांव के मौजूद लोगों ने दूल्हे को तो बचा के अलग ले गए और लोगों के सिर पर चोटें आई और कई पैरों में और जख्म, पैर भी टूट गए लोगों के। कौन था, किसने की सारा ये मामला क्या? ये 5-7 लोग थे जिन लोगों ने घरों के छत से पत्थरबाजी की, जिसमें एक नाम आ रहा है, कहना बिरो शिवलाल जाट और उनके सहयोगी थे सारे। किस किस लिए थे? कोई पुराने नहीं क्या? कोई पुरानी नहीं थी, वो ये चाहते हैं कि मेघ वालों की बारात उस गली से ना निकले और DJ ना निकले। तो आपने थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की, थाना आया भी था, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं की, इसलिए सारे ग्रामीण इकट्ठे होकर आज पुलिस एडिशनल SP साहब पवन जी मीणा को भी ज्ञापन दिया है और आगे की कार्रवाई का आश्वासन मिला है। और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, कुछ समय पहले बेलासर में हो गई थी और आए दिन गाँव में हो रही है। तो दलित समाज के लोग आज बारात भी सही तरीके से ढंग से निकाल नहीं पा रहे और दलित समाज के जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं। आज दलित समाज के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आज दलित समाज इतना प्रताड़ित है, कोई भी इनके साथ खड़ा रह के इनका सहयोग नहीं कर रहा, इनकी आवाज़ खुद ही कोई उठानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर समय रहते, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और पुनरावृत्ति हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नाम बताओ। पुनीत कुमार ढाल। पुलिस को मिली परिजनों से बिछड़ी 3 वर्षीय बालिका। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बीकानेर ने देर रात एक 3 वर्षीय बच्ची को शिशु गृह में अस्थायी आश्रम दिलाया है। संस्था की जिला समन्वयक चैनाराम बिश्नोई ने बताया कि कोर्ट के पुलिस थाना प्रभारी धर्म पूनिया ने चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल कर सूचना दी कि पुलिस को एक 3 वर्षीय बालिका लावारिस अवस्था में घूमती हुई मिली है। शहर में नहीं रुक रही है बाइक चोरी की वारदातें। शहर में बाइक चोरी की घटनाएं रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। इस संबंध में बाइक मालिकों द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी जाती है, लेकिन इन चोरी हुए वाहनों का रिकवर करने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। हालांकि नयाशहर पुलिस को इस संबंध में जरूर सफलता मिली, लेकिन पुलिस की सफलता के बाद भी दुपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं और ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में कई चोर गैंग सक्रिय हैं, जो कि आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज भी 2 दुपहिया वाहन चोरी के मामले सामने आए, जहां वाहन मालिकों ने संबंधित पुलिस थाने में पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। खबर आ रही है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ पत्नी घुसी पति के घर।
बोली पैसे दे नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में घर में घुसकर पत्नी ने पति को जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में परिवादी ने पत्नी सहित दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डूडी पेट्रोल पंप के पीछे बंगला नगर निवासी ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के साथ उसके घर आई और उसके साथ मारपीट कर रुपए मांगे। जब परिवादी ने रुपए देने से मना किया तो पत्नी ने जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने परिवादी की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर जांच पुलिस को सौंपी। अवैध संबंधों के चलते बहू ने किया ससुर का कत्ल, पुलिस जुटी जांच में। शहरोना पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते पुत्र वधु ने 71 वर्षीय ससुर को लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर शहरोना पुलिस SHO श्याम सुंदर मैं जाप्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर हत्या के सबूत जुटाने के प्रयास किए। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। इस संबंध में मृतक की पत्नी ने पुत्र वधु व एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। जेल में बैठे बदमाशों ने दी हाथ पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी। जेल में बैठे बदमाशों द्वारा धमकियां देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज सामने आया है जहां जेल में सजा काट रहे बदमाशों ने नोखा के रहने वाले शख्स को फोन पर हाथ पैर तोड़कर जान से मारने की धमकी दे डाली। इस संबंध में परिवादी ने 3 आरोपियों के खिलाफ नोखा पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि पैसे मांगे और नहीं देने की शर्त पर हाथ पैर तोड़ने व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस आरोपितों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। एक बार फिर बीकानेर हुआ शर्मसार, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जिले में महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं और युवतियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, शोषण, दहेज प्रताड़ना जैसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ है जहां 2 युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता 2 नामजद युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई एवं रैली निकाली। राजकीय बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा में आज ये कार्यक्रम हुआ। उन प्राचार्य डॉक्टर अनाराम शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में आज विश्व जनसंख्या दिवस धूमधाम से मनाया गया। महाविद्यालय में आज सुबह 11 बजे शिक्षा के प्रचार से ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है विषय को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें लालचंद शर्मा एवं धीरज पांडे की टीम ने प्रथम स्थान एवं राम प्रताप इंद्र सिंह की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत रूप से विषय के पक्ष में तुलसी ज्योति प्रथम एवं महेंद्र सिंह द्वितीय रहा। प्रतियोगिता में डॉक्टर सुमन राठौड़ एवं डॉक्टर सुथार ने निर्णय की भूमिका निभाई। NSS अधिकारी डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि वाद विवाद प्रतियोगिता के पश्चात जनसंख्या वृद्धि समस्या में समाधान विषय पर व्याख्यान का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सोहनलाल स्वामी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अभिलाषा चौधरी ने बताया कि महाविद्यालय के स्वयंसेवकों ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चेतना रैली निकाली, जिसमें सेवकों ने अपने हाथों में जनसंख्या चेतना के स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लिए हुए नारे लगाए एवं लोगों में चेतना जगाई। ये थी आज दिन भर की मुख्य मुख्य खबरें। कल इसी समय इसी चैनल पर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।